पावर की बात समझेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने आपको पावर बताया था, पावर जो ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर होता है पावर, जो हमने लगाया था पिछले वीडियो में, दिखाया था आपको। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं प्रिंट, देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं, यहां पर लिखा प्रिंट और यहां पे क्या करूंगा टू टू द पावर। अब देखिए ये पावर ऑपरेटर मैंने लगा दिया, यहां पे पहले लिखेंगे टू टू द पावर। अब ये पावर ऑपरेटर है फाइव, यहां पावर लगा रहा हूं और फाइव लगाने के बाद द इज द रिजल्ट ऐसे कर देता हूं मैं, इज द रिजल्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया। और अब चूंकि ये सिंगल लेटेड कॉमा या डबल लेटेड कॉमा दोनों में आप रख सकते हैं, तो मैं यहां डबल लेटेड कॉमा में रख लेता हूं, आप चाहे तो सिंगल लेटेड कॉमा में भी रख सकते हैं इसको, ये कर दिया हमने। और फिर यहां पे प्रिंट क्या करवाना है हमें, हमें यहां पे प्रिंट करवाना है टू टू द पावर फाइव। तो बस हमें यहां पे लिखना है टू टू द पावर फाइव, टू टू द पावर फाइव यानी 32 आता है आंसर। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं मैं यहां से, ये देखिए ये po.py के नाम से सेव किया। अब यहां से इसको रन करता हूं, तो रन करता हूं तो यहां 32 आंसर आ रहा है। चलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखिए पहले टू टू द पावर फोर, टू द पावर एट, टू द पावर 16, टू द पावर 32, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पर अगर मैं चेंज कर देता हूं, लाइक 8 टू द पावर 2 कर देता हूं, यहां पर देखिए 8 लिखा और यहां टू द पावर 2 करता हूं, सिर्फ 8 टू द पावर 2, और यहां पर भी रिजल्ट जो यहां पे हमें प्रिंट करवाना है उसको भी चेंज करूंगा, 8 टू द पावर 2 करूंगा, बस टू द पावर 2। अब इसको सेव कर देता हूं, यहां से जाकर के इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, और बस रन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पे 64 आ रहा है कि नहीं, 8 8 64 होता है, तो यहां पे 2 पावर लगाने पे 64 आ रहा है। तो ये पावर ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह से और भी चीजें कर सकते हैं, लाइक अगर मैं कुछ और देना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे अगर मैं कर देता हूं 10 टू द पावर 3, ठीक है, तो यहां पे 1000 आना चाहिए आंसर, और यहां पर भी चेंज कर रहा हूं, देखिए यहां पे 10 टू द पावर 2 है, इसको 3 कर देता हूं यहां से, तो देखिए यहां पे 1000 आना चाहिए आंसर, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। यहां पे गए और यहां पे रन करवाया, तो यहां पे देख सकते हैं यहां 1000 आंसर आ रहा है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, ये पावर ऑपरेटर काम कैसे करता है। अब इसका बड़े पैमाने पे यूज करना आगे के वीडियोस में सिखाऊंगा, हालांकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना मैंने पहले भी सिखाया है इस पावर ऑपरेटर की मदद से, ठीक है, आगे के वीडियोज में। अब फंक्शन का यूज करके हम सीखेंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज में हम पावर फंक्शन का यूज करते थे और पावर कैलकुलेट कर पाते थे, तो आगे के वीडियोज में हम फंक्शन का यूज करके भी सीखेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।